हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। सो गाइस, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। मैंने आधा काम निपटा लिया। ये जन्माष्टमी का ही पार्ट टू मैं बनाने जा रही हूँ और मैंने आधा खाना बना भी लिया है, क्योंकि आज ना इनको भोग लगता है कान्हा जी को, तो उसके लिए अभी तैयारी हो रही है मेरी। और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है। मैंने अभी सिर्फ बनाई है पनीर की सब्जी, पनीर बनाया है। तो अभी पनीर की सब्जी बन चुकी है और आटा मैंने गूंथ के रख दिया है। मैं बनाने जा रही हूँ, फोन लगाऊंगी ट्राईपोर्ट में, भगवान जी के लिए बनाने जा रही हूँ प्रसाद। तो अभी मैं आई हूँ प्रसाद बनाने के लिए कान्हा जी के लिए। तो अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ कुछ मीठा, यानी कि सेवई बनाऊंगी आज मैं। और सब्जी मैंने बनाई ली है, आपको मैंने दिखाया ही। और पूरी मेरे को बनानी है, तो पहले सोचा पहले प्रसाद बना लेती हूँ, उनको भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद ही हम लोग खाएंगे, फिर हो सकता है बाहर सोसाइटी का जो टेम्पल है वहाँ जाएंगे। थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स है उसको रोस्ट कर लूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं अब बनाने जा रही हूँ सेवई। थोड़ा सा उसको भी फ्राई करना पड़ेगा, फिर फ्राई करने के बाद मैं दूध डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, जो नॉर्मल जो सब बनाते हैं जिस तरीके से वैसे। और अगर कोई अलग तरीके से आपके घर में बनता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग भी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ इसे। तो अभी ये फ्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी दूध और फिर उसमें मीठा। तो फिर उसके बाद मैं एक तरफ पूरी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। ये देखिए सेवई मेरी इस तरह से बन रही है। तो इसमें अब मैं डालूंगी दूध। तो दूध अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम। तो मेरे वहाँ तो सब लोग दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भोग में जब बनता है भगवान के तो ऐसे ही होता है। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है पूरी के लिए, और मैंने सर पे दुपट्टा इसलिए रख लिया। आप लोग कहेंगे एकदम अचानक से सर पे दुपट्टा क्यों रख के आई, क्योंकि प्रसाद के लिए जब भी उसमें मीठा डालता है ना, उस सर पे दुपट्टा रख लिया जाता है, ऐसा मम्मी कहती है। तो मैंने इसलिए ही सर पे दुपट्टा रखा है अपना, कि जब भी भोग का प्रसाद बने उसमें जब भी मीठा जब डले तो उसमें उस वक्त सर पे दुपट्टा रख लेना चाहिए। तो मैं अभी भगवान जी की थाली तैयार करने के लिए, बस प्रसाद मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, मैं भगवान जी की थाली अभी लगाऊंगी और फिर उसके बाद पूजा करके फिर मैं अब बाकी हम जो घर के लोग हैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। अब भोग की थाली ना बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी पूरी भोग की थाली कैसे बनी है। तो ये देखिए मेरी भगवान जी का भी प्रसाद पूरा कंप्लीट हो चुका है और मेरी थाली भी मैंने तैयार कर ली है। तो ये है मेरी थाली भोग की। माखन, मिश्री और दही और तुलसी के पत्तों के बिना तो ये अधूरा होता है। तो माखन है, मिश्री है, दही है, सिमई है, आलू पनीर की सब्जी है और लड्डू जो उनके हमेशा से पिए रहे हैं, और आइसक्रीम, फल और पूरी और साथ में पानी। तो मेरे कान्हा जी का भोग जो है वो रेडी हो गया है। तो अभी मैं पूजा करूंगी और फिर उसके बाद फिर आपको आपकी सब बात करती हूँ। तो मैंने अभी प्रसाद का भोग लगाने जा रही हूँ, भोग लग जाएगा उसके बाद फिर बाकी खाना बनेगा। और देखिए एकदम सिंपल थाली मैंने तैयार की है, पनीर की सब्जी बनाई है, पूरी बनाई है और एक मीठा सिवई में बनाया है। और मैंने मक्खन भी बनाया था दोपहर में, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था क्लिपिंग शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आपके संग पहले ही मैंने क्लिपिंग एक बार जब मक्खन बनाया था तो शेयर किया था। तो अभी जो जल गई है उनको लगेगा भोग, फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे खाना, हम लोग भी। तो भोग की थाली पूरी, इसमें एक फल पूरी और लड्डू जो मैंने बाहर से मंगा लेते, माखन मिश्री जो है घर पे बना लिया था। तो ये पूरा थाल एकदम तैयार हो चुका है, मेरे कान्हा जी को भोग लग चुका है। आप सभी को एक बार दोबारा से जन्माष्टमी की बधाई। तो मैं तो इसी तरीके से जन्माष्टमी मनाती हूँ। तो बस यही है मेरा छोटा सा पूरा दिन जन्माष्टमी वाला, कि मैंने क्या क्या किया। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऐसे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भजन वगैरह चल रहा है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए जब तक के लिए। बाय बाय।